खबर हल्द्वानी से है, जहां गुरुवार को कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बेल बाबा स्थित वाहनों के फिटनेस सेंटर पर छापा मारा। आरटीओ की देखरेख में चल रहे फिटनेस सेंटर पर कमिश्नर के छापे की खबर से हड़कंप मच गया। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हालात की खस्ता हालत देखकर वहां मौजूद वाहन चालकों से पूछताछ की तो पता चला कि यहां पर लंबे समय से ओवर रेटिंग और दलाली का बोलबाला है। आरटीओ के अधीन चल रहे इस फिटनेस सेंटर से बावजूद आरटीओ ने कभी यहां औचक निरीक्षण नहीं किया, इसी वजह से कमिश्नर ने नाराजगी जताई। वही आरटीओ को नोटिस भी जारी किया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इसका मैंने इंस्पेक्शन किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े स्पष्ट निर्देश है, किसी भी कार्यालय में कहीं से भी किसी भी प्रकार के मेल प्रैक्टिसेस, करप्शन, भ्रष्टाचार, ऐसी कोई भी शिकायत हो उसको बिल्कुल भी टॉलरेट ना किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पे की जाए। आज जो मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैंने देखा कि यहाँ पे काम करने के तरीके में पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। पब्लिक ने यहाँ पे मुझे बताया है, यहाँ पे ऐसे अनऑथराइज्ड लोग भी घूम रहे हैं और काम करवा रहे हैं जिनका इससे कोई वास्ता नहीं है, जो ड्राइवर्स नहीं है, जो इनका स्टाफ भी नहीं है। मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे कमरे भी मुझे मिले हैं जहाँ पे पब्लिक का कोई लेना देना है ही नहीं, लेकिन वहां पे वो जा रहे हैं। जो निर्धारित फीस है उससे ज्यादा लेने की काफी लोगों ने मुझे शिकायत की है, जिसकी पुष्टि करने के लिए मैंने आरटीओ से कहा है कि पूरे एक महीने का इनका डेटा निकालें, यहाँ पे कौन कौन लोग घूम रहे हैं जो काम करवा रहे हैं अनऑथराइज तरीके से। सेकेंडली, मैं आरटीओ का भी स्पष्टीकरण मांग रहा हूँ, ये उनके कार्य क्षेत्र में है कि समय समय पर इसकी छापेमारी करें औचक तरीके से, या अपने लोग गुप्त तरीके से भेजें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कि वो नहीं कर रहे हैं। इसका भी उनको शोकॉज में जारी कर रहा हूँ, भविष्य के लिए निर्देश दिए हैं कि औचक रूप से वो अचानक किसी भी दिन, हफ्ते में किसी भी समय यहाँ पे छापेमारी करेंगे या फिर गोपनीय तरीके से अपने लोगों को भेजेंगे।